A big hello to my youtube family welcome to diva classes this is divya Vavadvani your english teacher today we will be solving comprehension plus pressy writing for class 10 icse and this is equally important for class 10 11 and 12 sorry 9 11 and 12. okay so starting with the part of solution of comprehension from isc 2025 examinations ठीक है का जो स्पेसिमेन पेपर आया था उसको वी विल सॉल्व हेअर तो इवन दो द कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट सपोज टू बी एक्सप्लेन तो वी विल जस्ट हैव अ बेसिक रीडिंग ऑफ इट क्योंकि ऑब्वियसली हमको आपको शुरू से एंड तक आई हैव टू एक्सप्लेन यू एवरी थिंग कि हाउ प्रेसी राइटिंग इज रिटन ओके जो आपकी एट मार्क्स की आती है ऑफ फिफ्टी वर्ड्स कि वो कैसे की जाती है तो देयर इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन गिवन हेअर यहाँ पर इट इज़ गिवेन दैट वन डे आई फाउंड द पॉइंट विथ सेवरल बुफेलोज सिम्पल सी चीज़ ये हुई है एक बार मुझे एक पॉइंट मिला विथ कुछ बुफेलोज थे वहाँ पर देअर कीपर उनका वहाँ पर एक बॉय था जो उनकी देखभाल करता था एंड इट वॉज लिटिल ओल्डर दैन मी ही वो स्विमिंग इन द मिडिल ऑफ ही वो स्विमिंग मतलब बीच में वो भी तैर रहा था वहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग आउट ऑन द बैंक ही वुड पुल हिमसेल्फ़ वन ऑफ हिज बुफेलोज मतलब बैंक पर चढ़ने के बजाय वो खुद बुफेलो के ऊपर चढ़ जाता था स्ट्रेच यूसर स्ट्रेच इज नेकेड ब्राउन बॉडी ऑन द एनिमल्स ग्लिसनिंग हाइड नाउ ग्लिसनिंग हाइड यहाँ पर किसकी बात की गई है उनके स्किन की बात की गई है हाइड को हम लोग एक होता है हाइड मीन्स छुपना एक होता है हाइड मीन्स स्किन ओके एंड स्टार्ट टू सिंग हिम सेल्फ वेन ही सो मी स्टेयरिंग एट हिम जब उसने देखा वो जो लड़का पानी में तैर रहा था जब उसने मुझे देखा कि मैं उसको देख रहा हूँ ही स्माइल्ड शोइंग ग्लीमिंग वाइट टीथ ऐसे करके अपने दाद दिखा रहा था जो उसके डार्क फेस पे उसके व्हाइट टीथ थे वो ही इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम टू स्विम उसने मुझे बुलाया बट uh, मैं आई डेंट गेट देयर बिकॉज आई कु नॉट स्विम ही ऑफर टू टीच मी तो उसने मुझे बोला कि वो मुझे सिखा देगा उसका नाम क्या था हिज नेम वज़ रामू एंड ही प्रॉमिस्ड मी टू गिव मी स्विमिंग लेसेंस एवरी आफ्टरनून सो इट वॉज ड्यूरिंग द आफ्टरनून स्पेशली समर तो उसने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें हर रोज़ आफ्टरनून में दोपहर के समय पर स्विमिंग लेसेंस दे दिया करूंगा तो जब दोपहर में हर कोई सो रहा होता था देन वी यूज टू यूजअली मीट ठीक है तब हम मिलते थे बिफोर लॉन्ग आई वॉज able to swim across the pond to sit with Ramu astride a contented buffalo मतलब मैं उसके साथ वहाँ पर I used to I was able to swim across the pond to sit with Ramu astride मतलब एक satisfied contented means होता है satisfied buffalo के ऊपर I could at least sit with him sometimes I would slip into the water कभी कभी मैं uh, you know आपने देखा होगा buffalo's कैसे नाते तो उन वहाँ पर उनके ऊपर बैठ के बल्कि मैं पानी में गिर जाता था इमर्जिंग इन द शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी आई वुड स्नीक इन टू द हाउस थ्रू बाथरूम एंड बा अंडर द टैप बिफोर गेटिंग इन टू माई क्लोथ मतलब कि जस्ट बिकॉज के आई यूज टू बी इन दोज पर्टिकुलर क्लोथ सो मैं आई यूज टू गेट रेडी बिफोर आफ्टर टेकिंग द बात ओके वन आफ्टरनून रामू एंड आई फाउंड आई स्मॉल टोर्टर्स इन द मंड एक बार हमें मड में एक स्मॉल छोटा सा टोटोइस मिला सिटिंग ओवर अ होल इन विच आई हैड इट हैड लेट्स सेवरल एग्स और वहाँ पर वो बैठा था जहाँ पर उसने बहुत सारे एग्स रखे थे आई प्रेजेंटेड द टोटोज़ टू ग्रैंड फादर मैंने वो टोटोज उठा के ग्रैंड फ़ादर को दिया ही हैड अ वीकनेस फॉर टोटोइ अच्छा उनको बहुत पसंद है ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट तो एंड वॉज प्लीज विद दिस एडिशन टू हिज मिनाजरी अपनी जो कलेक्शन थी उसमें इसको ऐड करके उनको बहुत अच्छा लगा गिविंग इट अ लार्ज टब ऑफ वाटर ऑल टू इट सेल्फ विद इन आईलैंड ऑफ रॉक्स इन द मिडल की मतलब वहाँ पर जैसे एक एक्वेरियम होता है फिशज के लिए तो वैसे ही इसको भी एक अच्छा खासा टब दिया था जिसमें वो रह सके इफ वन ऑफ द डॉग्स बॉर्ड इट टू मच इट व्रॉ इट्स हेड एंड लेग्स इन टू इट्स शेल एंड डिफाई ऑल इट्स अटेम्प्ट एट रफ प्ले ठीक है मतलब इसमें बोला है कि अगर किसी भी एक डॉग को उसमें कुछ असर पड़ता तो उस टाइम पर इट वुड ड्रॉ इट्स हेड एंड लेग्स इन टू द शेल वो थोड़ा शेल के पास जाता एंड ट्राई टू हैव अ रफ प्ले रामू केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनकी फैमिली से वो बिलोंग करता था एंड ही हैड नो स्कूलिंग बट ही वॉज वेल वर्स्ड इन फोक लोड जब जो, जो, जो सॉन्ग सिंगिंग करते हैं एंड ही न्यू ग्रेट डील अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ओके okay, वो कहता है कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वो बहुत सेक्रेट होते हैं रामू कहता है एज वी वॉश्ड अ ब्लू जे स्वीप सुप डाउन फ्रॉम अ पीपल ट्री एंड कैरी ऑफ अ ग्रास ऑपर मतलब मैंने एक बर्ड को देखा जो वर्ज कैरिंग ऑफ अ ग्रास होपर देन बोथ रामू एंड ग्रैंड फादर वर ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड बी मोर जेंटल टू बर्ड्स एंड शुड नॉट किल सेल्फ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रेसी राइटिंग का एरिया आपका इसी इसी से ही रिलेटेड है इससे बोला गया है कि रामू और मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो दोनों ही इस चीज़ में थे कि हाँ हम लोग को बर्ड्स को बहुत जेंटली ट्रीट करना चाहिए हमें वी शुड रिस्पेक्ट दैम वी मस्ट एक्नोलेज देयर राइट्स बर्ड्स एंड एनिमल्स जो हैं दे आर फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देम एज वेल एज देयर फॉरेस्ट आई रामू एंड आई स्पेंड अ लॉन्ग समर आफ्टरनून एट द पॉइंट आई स्टिल रिमेंबर हिम विद अफेक्शन दो वी नेवर सो ईच अदर अगेन आई लेव देव भले ही हम लोग ने एक समय के बाद खुद को नहीं देखा बट स्टिल आई रिमेंबर हिम विद अफेक्शन ठीक है अब सबसे पहला द क्वेश्चन आर है तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज पूछी गई है इसमें फॉर ईच वर्ड दैट इज गिवन बिलो यू हैव टू चूज अ करेक्ट मीनिंग जो पैसेज में यूज की गई है तो हाइड एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज़ इट ब्लैंकेट फॉर अनडिसक्लोज हाइड करना नहीं दिस इज स्किन ठीक है ग्लिस्टनिंग स्किन की यहाँ पर बात की गई है तो यू शुड नो दैट हाइड को एनिमल्स हाइड मतलब एनिमल की स्किन की भी बात होती है यू कैन कंसिडर इट एज सेम साउंडिंग वर्ड्स दैट इज होमोफोन्स और द सेम मीनिंग वर्ड्स सॉरी द डिफरेंट मीनिंग सेम वर्ड्स ठीक है देन कम्स कंटेंटेड इज इट चीयरफुल लेजी सैटिस्फाइड और कंटेनर तो इट इज़ नोन एज सेटिस्फाइड कंटेंट मीन्स टू बी सैटिस्फाइड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वॉज ऑफ टू मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ इजी तो इट इज डिफिकल्ट एज वॉज गिवेन इन द पैसेज कि इट इज डिफिकल्ट नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू आंसर दिज क्वेश्चन वर्ट डिड रामू लाइक टू डू वंस ही हैड क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द बफेलो तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ये इनके डायरेक्ट आंसर्स आर ऑलरेडी गिवेन वी वॉन्ट वी वोट भी डिस्कसिंग मच ऑन इट जैसे उसमें दिया आई एल बी डिस्कसिंग इट सेम वे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि रामू वंस ही क्लाइम्ब ऑन द बैक ऑफ द ब फेलो वॉट ही यूज टू डू ठीक है तो यहां पर द आंसर हेयर इज गिवेन इट सेल दैट वील बी डूइंग द आंसर हेयर सेज दैट ही लाइकड टू स्ट्रेच his naked brown body on the animal's glistening hide or back or skin and he used to start singing himself. He used to stretch karta tha body and then he used to sing to himself. Then next question that is asked here is question number 2 of the comprehension. द क्वेश्चन इज वट ऑफर डिड रामू मेक टू दरेटर रामू ऑफरकम लर्न स्विमिंग जिसके लिए उसने बोला था कि चलो ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा स्विमिंग ठीक है दिस इज वट आईम जस्ट टेलिंग यू अभी इसका जो मेन आंसर है दिस आई एम गिविंग यू ओ ओके ही ऑफर्ड टू टीच नरेटर टू स्विम गिविंग स्विमिंग लेसन एवरी आफ्टरनून तो दिस इज अगेन दिस वॉज ऑफ टू मार्क्स दिस इज ऑल्सो ऑफ टू मार्क्स ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आड हेयर इज द थर्ड क्वेश्चन दैट से इज दैट वॉट डू यू थिंक द नरेटर वुड बात बिफोर एंटरिंग द हाउस की वो ऐसा क्यों करता था द क्वेश्चन वॉज दैट ठीक है तो दिस वी विल अंडरस्टैंड हेयर क्वेश्चन पेज नंबर ट्वेल्व विजिट तो द आंसर हेयर सेज दैट इज़ द थर्ड आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ है इट सेज दैट आपको कोई भी टू इज़ ऑफ़ टू मार्क्स बताने थे टू अवॉइड बींग स्कोल्डेड फॉर स्विमिंग और इन द विलेज पॉन्ट दिस स्वैम एवरी वेयर वैन एवरी वन वॉज स्लीप हो सकता है देखो ये रीज़न भी हो सकता है दैट की सो दैट उसको डांटना पड़े कि वो विलेज पॉइंट में स्विमिंग किया उसने या विलेज पॉन्ड में ही डन स्विमिंग और दे स्वैम जब सर कोई सो रहा होता था मे बी ग्रोनअप वुड बी एंग्री दे इमर्ज इन द शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी सो वुड है स्निक इन टू द हाउस थ्रू द बाथरूम एंड बाते अंडर द टैप टू गेट क्लीन फर्स्ट ये रीजन्स दिए थे कि वो खुद साफ सुथरे हो जाते थे सो so दैट उनको डांटना पड़े ये शायद इसलिए भी उनको डांट पड़ सकती थी क्योंकि एवरी वन वॉज स्लीपिंग वैन दे यूज टू गो तो दिस कैन बी द रीजन्स एंड यू जस्ट हैव टू राइट एनी टू ऑफ देम एंड वेन वी डिड द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्मल इन फॉर्मल वी हैव ऑलरेडी डन फंक्शनल ग्रामर वी हैव ऑलरेडी डन जब मैंने इसका पहला बार डाला था दिस स्पेसिमेंट पेपर का तो आई हैव ऑलरेडी सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम तो यू कैन गो एंड चेक देयर ठीक है ये डॉक्यूमेंट आपको वहीं पर ही मिल जाएगी ओनली द प्रेसी राइटिंग पार्ट आई विल सेंड यू राइट नाउ सुन आफ्टर यूल हैव दिस पार्ट Then next question that is asked here is uh, that is a fourth question जो से पूछा गया कि uh, what was the large tub for तो अच्छा who was the large tub large tub of water जो uh, grandfather ने वहाँ रखा था तो वो किसके लिए था वो tortoise के लिए था कौन सा tortoise जो this uh, child had brought for the grandfather then how would you हाउ वुड द टोटोज प्रोटेक्ट इट्सल्फ फ्राम द डॉग्स जो टोटोज है वो खुद को डॉग्स से कैसे प्रोटेक्ट करता था तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ओके तो द क्वेश्चन द आंसर्स इज दैट पहली चीज ये ऊपर वाला था टोटोइज वॉज प्रेजेंटेड बाई द नरेटर टू द ग्रेड फादर एंड लास्ट में ही वुड ड्रॉ इट्स लेग एंड हैड्स इन टू द शेल जो अपने हेड और अपने लेग्स है वो शेल के अंदर कर देता था डिफाई ऑल द डॉग्स अटेम्प्ट एट द रफ प्ले और जो डॉग उसके साथ खेलने कूदने की कोशिश करते थे वो उसको भी रोक देता था ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज द पार्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग जो यहाँ पर पूछी गई है प्रेसी uh, राइटिंग क्वेश्चन सेज अब देखो वेन एवर दिस क्वेश्चन कम्स यू नीड टू द फर्स्ट थिंग दैट इज स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशली क्लास नाइन टू डू फेज क्योंकि क्लास टेन तक पहुँचते पहुँचते तो यू पीपल अंडरस्टैंड बट इन केस यू नो सम ऑफ योर जूनियर्स जिनको इशूज होते हैं इन प्रेसी राइटिंग तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद दैम प्रेसी राइटिंग में कहीं पर भी लिखा नहीं होता है कि आपको उसको प्रेसी में बनाना है यू हैव टू मेक ग्रिड लाइन्स इन इट इट्स जस्ट रिटर्न की आपको पचास वर्ड्स में यू हैव टू टेल कि डिस्पाइट द लैकिंग ऑफ स्कूल रामू को क्या क्या चीज़ें पता थी ठीक है तो वट डिड वट वर द थिंग्स एट ही न्यू हाउ अकॉर्डिंग टू रामू एंड ग्रैंड फादर शुड वी ट्रीट एन बर्ड्स एंड एनिमल्स बर्ड्स और एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना है दो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि रामू को क्या क्या चीजें पता थी इवन दो ही एज नेवर गॉन टू स्कूल और दूसरा कि बर्ड्स और एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू रामू एंड ग्रैंड फादर बर्ड्स और एनिमल्स को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए दिस इज अनदर क्वेश्चन नोवेयर इज रिटेन की दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रेसी बट इट्स जस्ट एंड मीन्स इट्स जस्ट दैट वो आती है एंड यू शुड नो दिस ठीक है तो द क्वेश्चन इज की दिस इज ऑफ एट मार्क्स तो ऑब्वियसली यू विल राइट इट इन सेक्शंस जो नॉर्मल डिवीजन होता है आई हैव रिटन द क्वेश्चन हेयर ओके आई हैव डन द की पॉइंट्स अब ये कौन से की पॉइंट्स हैं दीज आर द की पॉइंट्स जहाँ पर यू हैव दीज आर ऑलरेडी गिवन टू यू ऑल ठीक है जो सॉल्यूशन है पेपर का उसमें ये जो की पॉइंट्स है ये ऑलरेडी दिए हुए हैं हमें देखो वेन एवर यू विल राइट द क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ प्रेसी कुछ स्पेसिफिक पार्ट से ही पूछी गई है इलेवेंथ ट्वेल्थ में तो वहाँ पर स्पेसिफिकली स्पेसिफिक वहाँ के जो पैसेजेस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उसमें तो दिया होता है कि हाँ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पैसेज आपको ए ये पैराग्राफ से करनी है लेकिन इन केस इन योर इन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ में ये नहीं दिया हुआ है तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले वॉट यू विल डू इस आप अपने कुछ पाछे की पॉइंट्स कॉम्प्रिहेंशन से ही उठा लोगे ठीक है इफ़ वी मूव टूवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंशन इटसेल्फ कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्प्रिहेंशन में ऑलरेडी दी हुई हैं वील मूव टूवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंशन जहाँ पर उसका क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है तो हेयर ना रामू की बात हो रही है यहाँ पर सबसे पहले कि वॉट थिंग्स ही न्यू विद दिस वी विल डू तो यहाँ पर द फर्स्ट थिंग दैट इज रिटर्न इज दैट ही यूज़ टू स्विम पहली चीज़ एंड इवन दो अच्छा यहाँ पर स्कूलिंग की बात हुई है कि इवन दो ही हैड नेवर गॉन टू स्कूल बट स्टिल उसको क्या चीज़ें पता थी दैट वो फोकलोर वाला पार्ट इसमें कहीं पर था अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था उसको दैट ही कुड नॉट स्विम बट हाँ ठीक है आई कुड नॉट स्विम बट ही कुड टीच मी तो यहाँ पर एक जगह पर इट वॉज गिवेन ना दैट फोकलोर उसको आता था ठीक है एक ये चीज़ थी एंड सेकेंड द वॉज ही हैज न्यू अलॉट अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स तो उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको ये सारी चीज़ों का ज्ञान बहुत ज्यादा था दिस हैज बीन गिवन हेयर ठीक एंड द नेक्स्ट थिंग दैट हैज बीन आस्क्ड हेयर इज अबाउट ये दिस इज दिस इज वॉट हैज बीन रिटन हेयर कि भले ही उसको स्कूलिंग नहीं मिली थी ही वॉज वेल वर्स्ड इन फोकलोर यू कैन राइट द एग्जैक्ट की पॉइंट दिस एंड उसको अच्छा खासे बातें पता थी बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में ये आपके दो पॉइंट हो जाएंगे ठीक है फिर आ, वो कहता है कि बर्ड जो है बर्ड्स के बारे में क्या बताया गया है कि बर्ड्स जो हैं वो सिक्रेट होती हैं और हमें बर्ड्स को आ, वी शुड ट्रीट देम वेरी जेंटली बर्ड्स एंड एनिमल्स शुड नॉट किल सो मैनी ऑफ देम और वी शुड नॉट किल देम वी शुड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट ठीक है तो यही चीज़ें यहाँ पर दी गई है कि हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए वी शुड एक्नोलेज देर राइट्स वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर फॉरेस्ट वी शुड बी मोर जेंटल दिज आर सेक्रेट ही न्यू ग्रेट डील अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स ये आपके की पॉइंट्स हो गए जो आप लिखोगे यू कैन टेक एग्जैक्टली द सेम थिंग जिसके आपको मार्किंग नहीं दी जाती है नेक्स्ट इज योर रफ ड्राफ्ट अब रफ ड्राफ्ट क्या होता है दिस इज डन विथ पेंसिल ठीक है द फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि ये पूरा ही जो आप इसमें लिखोगे भी ना वो भी आप सिर्फ पेंसिल से ही करोगे तो वेन एवर यू विल फिलिंग इट यू अब आपने क्या किया आपके पास ये की पॉइंट्स हो गए यू कैन टेक एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम इट और यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली तो यहां पर जो क्वेश्चन शुरू हुआ है यहाँ से रामू वॉज वेल वर्स इन फोकलोर तो दिस वी विल स्टार्ट इट हेयर और ऑल दीज वर्ड्स विल बी रिटर्न हेअर ठीक है जिन्स इट इज ऑफ फिफ्टी वर्ड्स फाइव इंटू टेन का कॉम्बिनेशन बनेगा पाँच इधर एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन का विल बी द रोज फो फाइव विल बी द कॉलम सेक्शन ठीक ये हमने कर लिया इसके बाद इसके बाद व्हाट यू विल डू ये आपका दिस इज़ द होल यू विल डू अब क्या होता है रफ़ ड्राफ्ट का रोल क्या होता है जब इसको आप पेंसिल से करते हो हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स में चला जाए इट कुड बी फोर्टी एट वर्ड्स ऑल्सो एंड इट कुड बी फिफ्टी टू वर्ड्स ऑल्सो ठीक है अब आता है मेरा फेयर ड्राफ्ट फेयर ड्राफ्ट में एग्जैक्टली यू हैव टू कीप इट इन फिफ्टी वर्ड्स क्योंकि यूजली क्या होता है एटलीस्ट uh, बड़े क्लासेज में आई एम टेलिंग यू दिस इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ कि उसमें यहाँ तक अगर योर आंसर इज़ नॉट कम्प्लीटेड तो वहाँ पर पेनाल्टी होती है मतलब इट इज़ कंसिडर्ड कि इट शुड बी वेरी एग्जैक्ट ठीक है तो अब जब हमने वही मेरा 48 या 52 टू वर्ड्स में मान लो 60 वर्ड्स में इवन आ गया हम उसको और जोड़ करके कर्टेल करके यहाँ पर लिखेंगे जो मेन मार्किंग होती है आपकी एट मार्क्स में से वो आपकी फेयर ड्राफ्ट की होती है इफ़ यू वांट यू कैन डू डायरेक्टली इन टू फेयर ड्राफ्ट देर इज नो इशू लेकिन ग्रिड टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर एक होती है आपकी ग्रिड लाइन्स जो काउंसिल आपसे मांगता है कि ये बना होना चाहिए ये जो बॉक्सेस हैं ये बने होने चाहिए ऑब्वियसली एग्जामिनर इज़ नॉट गोइंग टू काउंट लाइक दिस ईच एंड एवरी ही नोस कि हाँ ठीक है ये फाइव इधर हैं टेन इधर हैं बस ठीक है पच्चे ने पचास वर्ड्स में लिखा है सेकेंड थिंग इट शुड बी ऑफ फिफ्टी वर्ड्स मतलब जो एग्जैक्ट आपसे लिमिट मांगी गई है वो उसमें होना चाहिए सेम थिंग कैन बी रिटर्न इन रफ ड्राफ्ट एज वेल एज इट कैन बी कॉपीड इन टू फेयर ड्राफ्ट फेयर ड्राफ्ट का काम सिर्फ इतना होता है कि ये पेन से किया जाता है यू कैन ड्रॉ इट विथ पेंसिल बट जो रिटन सेक्शन है वो आपका पेन्सिल होता है जो मेन सामरी होता है एंड देन इट विल भी लाइक कंबाइंड इट इन टू द पार्ट जैसे इसमें दिया हुआ है विथ पेन ओनली एंड देन एग्जैक्ट फिफ्टी वर्ड्स में ठीक इफ यू डोंट फील लाइक यू कैन लीव द की पॉइंट ऑफ द रफ ड्राफ्ट पार्ट बट वो सिर्फ एक ऑर्डर में क्योंकि ऑब्वियसली दो घंटे का आपका पेपर है तो यू वॉन्ट टू बी राइटिंग एवरीथिंग एंड एवरी टाइम बट इट्स जस्ट फॉर योर ओन प्रैक्टिस फेयर ड्राफ्ट इज अ मस्ट की पॉइंट एंड रफ ड्राफ्ट इज ऑप्शनल ठीक है आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वट आई हैव ट्राइंग टू से रेस्ट वील बी डूइंग सून टिल देन कीप प्रिपेयरिंग बेस्ट विशेज थैंक यू